प्रदेश में आज फिर उलटफेर का दौर जारी रहा। कांग्रेस के दो पूर्व विधायक सहित कई नेताओं ने प्रदेश कार्यालय में आज भाजपा ज्वाइन कर ली। पन्ना के गिनौर से कांग्रेस विधायक रहे शिवदयाल बागरी और सागर जिले की खुरई सीट से विधायक रहे अरुणोदय चौबे ने सोमवार को भाजपा ज्वाइन कर ली। अलीराजपुर जिले में 6 बार सरपंच और 3 बार जनपद सदस्य रहे भील नेता कमरू भाई ने भाजपा ज्वाइन कर ली। उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, न्यू ज्वाइनिंग टोली के संयोजक नरोत्तम मिश्रा, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, नागर सिंह चौहान, सागर की लोकसभा प्रत्याशी लता वानखेड़े के सामने सदस्यता ली। हमारे शर्मा जी, हमारे अपने इस पूरे भाजपा जोड़ो और भाजपा परिवार के विस्तार अभियान में लगे हमारे यशस्वी पूर्व मंत्री और माननीय वरिष्ठ नेता श्रीमान नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे अपने राजस्व मंत्री रहे पहले और अभी हमारे खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद राजपूत जी, मंत्री माननीय नागर सिंह जी, माननीय विधायक शैलेन्द्र जैन जी, इस अवसर पर हमारे आज इस परिवार का हिस्सा बने अरुणोदय जी, जोरदार अभिनंदन अरुणोदय जी का। आज ये अरुणोदय आपके माध्यम से एक नया अरुणोदय हुआ है भाजपा की ताकत बढ़ने का। आपका मैं मंगल कामना के साथ, हमारे लिए भाजपा में आप शुभंकर सिद्ध हो और बहन हमारी यहाँ की प्रत्याशी जोरदार तालियां हमारी बहन सागर के लिए। अब तो आप वास्तव में अजय है लता वानखेड़े, आपके लिए बधाई और उम्मीद करें जिस प्रकार का शैलेन्द्र जी, गोविंद जी सब लोगों ने मेहनत भी की और आपने कहा कि वाकई मैं कोई शर्त नहीं, बगैर शर्त आकर के भाजपा की ताकत बढ़ाऊंगा, ये बहुत अच्छा निर्णय है। मैं आपका अपने इस परिवार में स्वागत करता हूँ। हमारे बागरी जी, शिवदयाल बागरी मेरे साथ विधायक रहे और हमारे खजुरावा संसदीय क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और कमरू जी, आपने कहा आप भी गाय वाले और मैं भी गाय वाला, आप भी गोपाल मैं भी गोपाल, आपने कहा कि मैं जो किसी का राम का नहीं वो किसी, ये है आनंद की चीज। हम सब जानते हैं बदलते दौर में जिस प्रकार से हमारा परिवार बढ़ रहा है और आपने और अच्छा काम किया कि बहुत बड़ी गौशाला चलाते हैं, अपनी इस पवित्र भावना के आधार पर सम्मिलित हुए कि हमारे क्षेत्र में धर्मांतरण के खिलाफ कई सारे गलत निर्णय होते हैं, उसके खिलाफ आप लड़ते हैं, बड़ी ताकत है। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ इस अवसर पर सभी भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों का, और उम्मीद करेंगे कि हमारे इस वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री की फिर एक बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार के संकल्प के लिए आशीष जी सबके साथ हमारा यह अभियान रोज चलता रहेगा। बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में आज सागर के हमारे वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस में जिन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, एक सशक्त और कार्यात्मक नेता के काम से और नाम से वो जाने जाते हैं, तो ऐसे अरुणोदय चौबे जी को मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में बहुत उनका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज खजुराहो लोकसभा के, पन्ना जिले के बुलौर विधानसभा के कांग्रेस के विधायक रहे, अनुसूचित जाति के वे बड़े नेता हैं वहां, आज मैं उनका भारतीय जनता पार्टी परिवार में, शिवदयाल बागरी जी मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आज भाजपा के परिवार में आप सम्मिलित हुए हैं। जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष, 2 बार जनपद के अध्यक्ष रहे, 6 बार सरपंच रहे, ऐसे अलीराजपुर जिले के भील समाज के, वहां के आदिवासी समाज के एक बड़े नेता जो धार्मिक तौर पर भी और सामाजिक दृष्टि से भी एक सशक्त और ताकतवर नेता के नाम से भाई कमरू भाई अजनार, आज वो भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, मैं उनका भी बहुत स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूं। और गौशाला भी चलाते हैं, गौशाला के अध्यक्ष, और उन्होंने तभी कहा जो राम का नहीं वो किसी के काम का नहीं, तो इसलिए आज भगवान राम के प्रति श्रद्धा और आस्था के साथ ऐसे हमारे अश्विनी नेहवाल जी आईटी सेल के ब्लॉक अध्यक्ष, प्रदीप अजनार जी युवक कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष, राजा तोमर जी युवक कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष, ऐसे सभी आज लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, मेरे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर यादव जी का, हमारे ज्वाइनिंग के इंचार्ज नरोत्तम मिश्रा जी का,
हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सागर के हमारे गोविंद राजपूत जी, हमारे जैन साहब विधायक और सभी लोगों का मैं बहुत हृदय से अभिनंदन। और हमारी प्रत्याशी कहाँ है, हमारी सागर की लोकसभा की सम्माननीय प्रत्याशी एस एस लता वानखेड़े जी और सभी लोगों का आज मैं नागर सिंह चौहान हमारे मंत्री सारे प्रयासों से आज इतनी बड़ी संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में सभी सम्मिलित हुए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस गति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, मैं आप सबका बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको लगेगा कि आप एक परिवार में सम्मिलित हुए हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का परिवार है, हर व्यक्ति का परिवार मोदी जी का परिवार है, मेरा परिवार भी मोदी परिवार है, तो आप इस परिवार में सम्मिलित हुए हैं। मैं आप सबका बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।